वेलकम टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट दी क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो अगर आपके एग्ज़ाम्स किसी भी केस में कैंसिल हो जाते हैं तो आपके मार्क्स कैसे, वहाँ पर मार्क्स की जो है वो स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। तो अभी तक जो कुछ हमारे पास न्यूज़ में ये एग्ज़ाम रिलेटेड आ चुका है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं अबाउट दी एग्ज़ाम्स। तो अभी तक जितनी भी न्यूज़ सामने आई हैं उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स आपके होंगे, एग्ज़ाम्स होने के ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्या क्या न्यूज़ सामने आई है? एक तो ये न्यूज़ सामने आ रही है कि ओनली मेजर सब्जेक्ट्स के ही एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, और वो शॉर्ट ड्यूरेशन के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, यानी कि हाफ टाइम का एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी न्यूज़ सामने आ रही है कि जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उनको डिफरेंट शिफ्ट्स में रखा जाएगा, जिसकी के पहली शिफ्ट 15 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक चल सकती है और एग्ज़ाम्स सिर्फ संडे को ही रखे जाएंगे। तो ये सभी अभी तक सिर्फ न्यूज़ में सामने आया है, अभी तक हमारी गवर्नमेंट का इसके रिलेटेड क्या फैसला होगा वो अभी आना बाकी है। ठीक है, तो इसके अलावा ये भी एक आ रही है न्यूज़ सामने कि आपके एग्ज़ाम्स आपके होम स्कूल्स में ही हो सकते हैं। ठीक है, बोर्ड के सेंटर्स की बजाय आपके अपने अपने स्कूल्स में भी एग्ज़ाम रखे जा सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये भी बात बता रहे थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स रख देने चाहिए, बट ये बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल हैं। बल्कि हमारे देश में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स रखे हैं, बट स्कूल्स के एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन रखना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में चीटिंग होने के बहुत ही चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो अप्लाई नहीं हो पाती, यानी कि अगर एग्ज़ाम्स आपके किसी भी केस में कैंसिल करने पड़ते हैं, अगर अभी तक ऐसा बिल्कुल नहीं कुछ हुआ है, अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट क्या रूल्स यूज़ वहाँ पर हो सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी ही कैंसिल हो चुके थे, उनको भी विदाउट ए एग्ज़ाम्स जो हैं वो उनका रिज़ल्ट बनाया जाएगा। तो यहाँ पर भी वैसी ही सेम स्कीम यूज़ की जा सकती है, उस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या क्या होगा। ठीक है, अगर वो स्कीम यहाँ पर सेम अप्लाई होती है तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ये होगा कि आपके जो भी, मान लीजिए कि आपका कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर 100 मार्क्स का है, ठीक है, उसमें से आप लोगों के 30 मार्क्स होंगे दैट इज़ फॉर दी प्रैक्टिकल, एंड रिमेनिंग जो होते हैं 70 मार्क्स वो आपके होते थे जो भी आपका एग्ज़ाम होता था। ठीक है ना, तो फिर उसमें क्या होगा कि ये आपके सभी एग्ज़ाम स्कूल के हाथ में चले जाएंगे। ठीक है, तो आपका स्कूल इसके केस में डिसाइड करेगा, वही आपके सभी एग्ज़ाम्स बनाकर देगा, बट वो भी किस बेसिस पर आपका पूरा रिज़ल्ट बनाकर देगा वो वहाँ पर आपके जो स्कूल के अकॉर्डिंग, स्कूल में जो आपके ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने भी टेस्ट हुए हैं, यानी कि जितने भी आपके प्री बोर्ड्स हुए हैं या फिर उससे पहले जो आपके एग्ज़ाम होते हैं स्कूल लेवल पर, या कोई भी आपके वहाँ पर रखे गए थे डिफरेंट मंथली टेस्ट, उन सभी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट बनाकर बोर्ड को ये सबमिट किया जाएगा। ठीक है, स्कूल को इसका एक पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड किसी भी वक्त हम रीचेक किया जा सकता है। ठीक है, एंड साथ में जो स्कूल ने बना दिया रिज़ल्ट वही सेम रिज़ल्ट आपका बिल्कुल नहीं बनेगा, और साथ में क्या होगा कि जो आपके स्कूल के रिजल्ट्स की प्रीवियस ईयर में परफॉर्मेंस रही है, यानी कि पिछले कुछ सालों में स्कूल्स के जो रिज़ल्ट रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही उसका इस साल का रिज़ल्ट भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम है जो उन्होंने फॉलो की थी फॉर द क्लास 10th, तो यही सेम जो स्कीम है वो यहाँ पर भी फॉलो की जा सकती है अगर आपके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं कैंसिल। बट अभी तक ऐसा बिल्कुल नहीं है कुछ भी न्यूज़ में, वैसे भी आज शायद हमारी गवर्नमेंट का इसके रिलेटेड जो भी डिसीज़न होगा वो सामने आ जाए, आज नहीं तो एक दो दिन में ये भी डिसीज़न आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए ये जो पूरा रिज़ल्ट बनाना है उसके लिए एक स्कूल्स की एक कमेटी बनाई जा सकती है, जिसमें कि प्रिंसिपल के साथ कुछ स्टाफ मेंबर्स भी होंगे। ठीक है, तो वो सभी ये अपना कंप्लीट रिज़ल्ट बनाकर देंगे, और उनको ये भी ख्याल रखना होगा कि जो उनके स्कूल की प्रीवियस ईयर में यह परफॉर्मेंस रह चुकी है उसी के अकॉर्डिंग उनको अपना इस साल का रिज़ल्ट भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, इनकी इम्पोर्टेंस आप लोगों को पहले यह समझनी पड़ेगी। ठीक है, कि गवर्नमेंट क्यों यही अभी तक जोर लगा रही है कि एग्ज़ाम किसी ना किसी वे से वो रख दें। ठीक है,
क्योंकि बहुत सारी ऐसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होती हैं जिनमें जब आप लोग आगे जाकर वहाँ पर एडमिशन्स के लिए जाएंगे तो आपके यही बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट है उसी पर बेस्ड ही आप लोगों को वहाँ पर एडमिशन दी जाती है, ठीक है ना। तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका कोई अलग से एक एग्ज़ाम रखा जाता है, बट बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि सिर्फ आपके रिज़ल्ट पर बेस्ड ही आप लोगों को वहाँ पर एडमिशन्स देती हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर आपका रिज़ल्ट विदाउट एग्ज़ाम्स बनाया जाता है, ठीक है, अगर आपका रिज़ल्ट विदाउट एग्ज़ाम्स बनाया जाता है तो जो भी यहाँ पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको इसके साथ नुकसान हो सकता है। तो अगर आपका रिज़ल्ट विदाउट एग्ज़ाम्स बना दिया जाता है तो स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी काफ़ी यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाती है कि स्टूडेंट इंटेलिजेंट है या फिर नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी बात है कि अगर एग्ज़ाम्स को रोक दिया जाता है तो स्टूडेंट्स स्टडी के लिए सीरियस बिल्कुल नहीं होते। तो इसलिए अभी तक यही गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स को रख दिया जाए। बाकी जो भी उनका डिसीज़न आएगा उसी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। तो जो भी आपकी वहाँ पर असेसमेंट स्कूल्स के द्वारा रिज़ल्ट आप लोगों का बनाया जाएगा उसमें आप लोगों के प्री बोर्ड के जो भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होगा उसकी यहाँ पर यूज़ की जाएगी। ये 50% उसका यूज़ किया जा सकता है। और जो भी आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं उनके भी बीच में ऐड किए जा सकते हैं मार्क्स, ठीक है। और जो भी आपके पीरियोडिक या फिर यूनिट टेस्ट होते हैं उनका भी बीच में ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो बोर्ड ने स्कीम दी थी स्कूल्स को फॉर द क्लास 10th। तो यही या फिर ऐसी ही कुछ स्कीम वो क्लास 12th के केस में भी यूज़ की जा सकती है। बट तो अभी तक यही चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यह पिछले साल की, तो पिछले साल क्या हुआ था कि लॉकडाउन से पहले ही मोस्टली एग्ज़ाम्स यहाँ पर हो चुके थे, ठीक है ना। साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के तो सभी हो चुके थे एग्ज़ाम्स, और जो स्ट्रीम्स थी उनके कुछ एग्ज़ाम्स अभी रिमेनिंग थे। तो इसलिए बोर्ड ने क्या किया था, जो जो आपके एग्ज़ाम्स हो चुके थे तो उन पर बेस्ड ही आप लोगों का रिज़ल्ट वहाँ पर बना दिया गया था। बट इस साल तो एक भी आपका पेपर बिल्कुल नहीं हुआ है।